So actually, I am of Mumbai-based Buddhist startup. So I had started my journey in 2020 only in the between of lockdown as a snacks industry. So we have our product is nachos. So thing is that we had started with a very small round of funding of around 10 lakh rupees. So as it's a very competitive market and the demand is very high into the market about the nachos. So we have that potential to capture into the market. Now the current situation is what we are selling around generating around 1 lakh revenue per month, and it's sometime it get extended depend on the market. So अभी ऐसा हो रहा है कि वी डोंट हैव मच फंडिंग इन आवर हैंड, लाइक वी डिडेंट गॉट एनी फंडिंग फ्रॉम समवन एल्स और फ्रॉम द सेम इन्वेस्टर्स बिकॉज ही हैव दैट मच ऑफ कैपेसिटी एंड वी वर लुकिंग फॉर सम बिगर इन्वेस्टमेंट फॉर दैट. सो नाउ वॉट वी आर कंटिन्यूअसली लुकिंग फॉर फंडिंग बट वी डोंट हैव नाउ वी डोंट हैव फंड टू एक्सटेंड मोर और वी कैन मूव फॉरवर्ड. So what should we do? And even I had made a pitch deck. What I had even sent it to you also, but I didn't got some response from your team. So I आपने had आपको ना ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा सर और मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया था, सेंड भी किया था, इवन टीम मेंबर को मेल भी किया था, बट मुझे नहीं पता चला कि इसका क्या हुआ, लाइक वो एक्सेप्ट भी हुआ या नहीं हुआ, कुछ भी मुझे हमने क्या रिस्पॉन्स. करा है, जितने भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, जितने भी फंडिंग एप्लीकेशंस आए हैं, राइट, हाँ एंड यू कैन कांटेक्ट संजना फॉर दिस. संजना इज हियर, शी कोऑर्डिनेट्स विद द एंटायर कम्युनिटी टीम. और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, इसीलिए जिस जिसने फंडिंग के लिए अप्लाई किया, हम सब उनको, मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, राइट. आपका ओके मिस आउट हो गया होगा, बट ओके अभी आप कनेक्ट कर लेना, वो उसमें ऐड हो जाना, फंडिंग आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है. बट कुछ चैलेंजेस है आपके साथ जो मुझे अभी लग रहा है. एक तो ओके ये कि आप कितना भी कर लें, आप यूनिकॉर्न नहीं बन पाएंगे सिर्फ नाचो सेल करके, राइट. सो 5 साल में 750 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस करना है, वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. दूसरी बात, व्हाट इज योर डिसरप्शन, क्या कर रहे हैं आप, सस्ता बेच रहे हैं बाजार से नहीं, जो, हम कॉम्पिटिटर्स के रेट पे ही बेच रहे हैं. तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है. आपको मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ जीत का, ग्रोथ का, राइट. विनिंग फॉर्मूला, बालाजी मॉडल अपना लीजिए. माल बड़ा ज्यादा देना शुरू कर दिया, बालाजी चिप्स आपने सुना होगा, राइट, एकदम स्केल अप कर गया. तो बालाजी क्या करता था, ज्यादा माल देता था और उसने पूरा वेस्टर्न बेल्ट पकड़ लिया, राजकोट से लेके पूना तक, बॉम्बे तक, वहां तक पहुंच गया. और माल ज्यादा देता था, 5 रुपए में ज्यादा आता था, चिप्स भी ज्यादा थे, नमकीन भी ज्यादा थे. एंड अब तो उसने खैर कम कर दिया है, बिकॉज उसने मार्जिन बढ़ा दिए हैं, राइट. उसके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गई है, कंपनी बढ़ गई है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है. बट आपको डिसरप्ट करने के लिए माल ज्यादा देना है, और यू नो पीपल हु कांट अफोर्ड, जो कम पैसा देना चाहते हैं, उनके लिए आप बहुत ही गुणकारी साबित हो जाएंगे. यू कैन बी वेरी वेरी यू नो बून फॉर देम, बिकॉज व्हाट वुड हैपन इज समबडी हु कांट अफोर्ड टू बाय और हु डोंट वांट टू बाय लेज, दे कैन बाय योर प्रोडक्ट्स एंड दे कैन स्टिल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू. वैल्यू देने से आपको फायदा हो जाएगा और आपकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. थोड़ा सा आपको मार्जिन कम रखने हैं और उस मोमेंट पे आप ये सब बस मॉडल बदल के आ जाओ और सेल करना शुरू कर दो. वी कैन गेट यू फंडेड. आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है अगर आप बल्क में जाएंगे तो. अगर आप सोचेंगे कि हम ब्रांड एस्टेब्लिश करने में लगेंगे तो फिर मुश्किल है, बिकॉज रफल ले जैसी बड़ी बड़ी कंपनी बैठी है, हल्दीराम बैठा है, जो 2% के मार्जिन पे काम करते हैं और फिर भी माल बिक रहा है ना. दुकान वाले को 2-2% दे रहे हैं फिर भी माल बेच रहा है. क्यों? क्योंकि कस्टमर, ग्राहक आके हल्दीराम मांगता है, राइट. सो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि ग्राहक आके मांगे आपका प्रोडक्ट. क्यों मांगेगा? क्योंकि आप माल ज्यादा दे रहे हो, राइट. सो फिर चल जाएगा, फिर आप आ जाओ और आपकी फंडिंग पहले 25-50 लाख रुपए कुछ करा देते हैं, देन वी कैन इंक्रीज दैट. ओके सो मेरा एक क्वेश्चन और है सर कि लाइक मुझे अभी फिलहाल के लिए एक छोटी फंडिंग 5 लाख की आ रही थी, बट वो काफी टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं वो इन्वेस्टर जो भी है, वो लोग एक्सटेंड कर रहे हैं कि अभी देते हैं, लाइक उनका वर्क चल रहा है बट वो काफी ज्यादा खींच रहे हैं. एंड क्या मेरे लिए ये फंडिंग रहेगी, मतलब सर्वाइवल रहेगा क्या, मैं उससे काम चलाऊ जब तक कुछ नेक्स्ट नहीं होगा. देखो, 2-4-5 लाख रुपए में कुछ होगा नहीं, 20-25 लाख रुपए तो कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए. मैं आपको जो मॉडल बता रहा हूँ वो फुल प्रूफ मॉडल है, पूरी दुनिया में यही डिस्ट्रप्शन का तरीका है, कन्वीनियंस और प्राइस, ठीक है, और कुछ नहीं है. ज्यादा किसी चीज पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. सस्ता माल दो या माल ज्यादा दो, बात एक ही है, राइट. 5 रुपए में, 10 रुपए के पैकेट में आप ज्यादा माल दे दो तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल बढ़ जाएगी, आप देख लेना.
और आप जितनी ज्यादा सेल्स कर सकते हो करने के बाद रोटेशन घुमा के, मेरे हिसाब से तो आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको बहुत लार्ज स्केल पे काम करना है। क्यों? क्योंकि आपको प्लांट में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप दो चार जहां जहां डिलीवरी दे रहे हो वहीं के लोकल प्लांट्स को अपना तरीका सिखाओ, वहीं से मैन्युफैक्चर कराओ, वहीं डिलीवरी दे दो। आप अगर नागपुर में मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो नोएडा भेजने की जरूरत नहीं है वहां से, राइट? यू नीड टू गेट इट मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट लोकेशंस, वहीं से सप्लाई कर दो, वहीं से अपना लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग में स्टोर करा दो, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करा दो, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू चले जाओ, राइट? और वो माल आपका सप्लाई, और एडवर्टाइजिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वर्ड ऑफ माउथ से चल जाएगा। बालाजी आज भी ऐसे चल रहा है, उन्होंने वुमेन को, वर्क फ्रॉम होम वुमेन को बना रखा है डिस्ट्रीब्यूटर, राइट? दिल्ली में एक को मैं जानता हूँ, वो गुजरात से हैं, तो उन्होंने अपनी गुजराती कम्युनिटी को बता दिया, उन्होंने क्या करा, वो खुद ही वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गई, कोई डिपॉजिट नहीं कुछ नहीं, लोगों को माल जितना चाहिए होता है वो बोलती है मिनिमम क्वांटिटी इतनी, मैं डायरेक्ट बालाजी से मंगा के देती हूँ, और अभी भी उनका वो ज्यादा क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट आ रहा है, राइट? सो दैट इज हाउ यू कैन स्केल अप। और फंडिंग आप मॉडल बदल लो, थोड़ी सी सेल आपकी फटाफट बढ़ जाएगी, जैसे आप इतना कर लोगे आपकी फंडिंग हम करा देते। ओके सर, मैंने एक्चुअली एक बिजनेस प्लान बनाया है खुद के लिए, तो उसमें है कि मैंने बहुत बड़े नहीं बनाए, जैसे मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप पिछले 4 साल का 5 साल का मुझे बिजनेस मॉडल्स बना के दो, तो मैंने इतना ज़्यादा तो नहीं, बल्कि मैंने 3 साल का बनाया है कि इसमें कैसे हम काम कर सकते हैं, क्या हमारा रीच आउट रहेगा, कैसे हम मार्केट साइज को बढ़ा सकते हैं। देखिए, उससे कोई फायदा नहीं होना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी मिथ है। इन्वेस्टर्स जिनको कुछ नहीं पता वो बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल मॉडलिंग ये सब मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ प्रोजेक्शंस एक ही चीज के लिए बनाई जाती है कि आपको फंडिंग कितनी चाहिए, राइट? और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप कितनी भी प्लानिंग करते रहो एग्जैक्टली वो प्लानिंग कभी मैच करती नहीं है। अगर प्लानिंग से सब कुछ होने लग जाए तो पूरी दुनिया आगे बढ़ जाएगी, राइट? तो उससे कोई फायदा नहीं है, मिनट मिनट पे सब कुछ बदल रहा है, अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ हो जाता है, जो आप सोचोगे वो अजम्पशंस ही रह जाती हैं। इसीलिए आप एग्जीक्यूट करके आ जाओ, कुछ मत करो, सेल बढ़ा लो सस्ता करके, माल ज्यादा देना शुरू कर दो और फिर हमारे पास आ जाओ, मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ आपकी फंडिंग हम करा देंगे। ओके सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि अभी देखिए मेरे पास जो फंडिंग्स आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि या तो मैं थोड़ा होल्ड डाउन करूँ एंड फिर एक बड़ी फंडिंग के लिए जाऊँ, बिकॉज अभी मेरे पास फंड नहीं है कि मैं उतना और भी मटेरियल ला के उसको एक कर सकूं, मैं सिर्फ रोटेट कर पा रहा हूं उसको, और थोड़ा बहुत उसमें कैश बर्निंग भी हो ही रहा है, बिकॉज हम उसको फिर एक्सपांस हो जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, तो उसमें थोड़ी कैश बर्निंग भी आ रही है, तो हम कंटिन्यूसली डाउन साइड में जा रहे हैं फिलहाल के लिए। तो अभी प्रोडक्ट लाइन भी कम है ना दोस्त, आप सिर्फ नाचोस के सहारे आप कितना बड़ा टिकट साइज ले लोगे, दुकानदार आपको ऑर्डर देगा भी तो क्या देगा, वैरायटी चाहिए, दे पाता है। तो अभी तो मैं आपको शायद ये अच्छा ना लगे लोगों को, बट मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ वो बिजनेस एंगल से बहुत अच्छी दे रहा हूँ, कॉपी मार लो, टेस्ट भी कॉपी कर लो बड़ी कंपनीज का, और प्राइस सस्ता कर लो, समझ रहे हैं? लेकिन ब्रांड कॉपी मत करना, कलर्स उनके जैसे मत रखना, नाम उनके जैसा बिल्कुल मत कॉपी करना, राइट? वो चोर लगोगे आप। बट डिसरप्शन का सही मीनिंग है पीपल यू नो आस्क फॉर इनोवेशन, इनोवेशन इनोवेशन का मतलब ये नहीं है प्रोडक्ट इनोवेशन, ध्यान करना, मैं आपको बहुत काम की बात बता रहा हूँ, प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं मानते हम इनोवेशन को, मैं मानता हूँ प्राइस, प्राइस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनोवेशन। अगर आप माल सस्ता दे पा रहे हो ना, जो बड़ी कंपनी महंगे में देती है, तो दुनिया आपका माल खरीद लेगी, लिख के दे सकता हूँ मैं आपको स्टैम्प पेपर पे, राइट? और ये सलाह शायद आपको बहुत सारे जो पॉलिश लोग हैं वो नहीं देंगे, दे केयर अबाउट देयर इमेज, आई डोंट केयर अबाउट माई इमेज देयर, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, बट ये सच्चाई है, अगर आप सस्ता दे दोगे माल, वही जो महंगा मिल रहा है बड़ी कंपनी सेल करती हैं, प्रोडक्ट सिमिलर होना चाहिए, टेस्ट भी सेम करना पड़ेगा आपको, राइट? आप ये नहीं बोल के जीत सकते कि मेरा टेस्ट अलग है, मत बोलना कभी, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, राइट? हाँ, आप बोलोगे रफल लेस जैसा फ्लेवर है, सस्ते में दे रहा हूँ, दे विल डेफिनेटली बाय इट, एंड दैट इज हाउ यू कैन डिसरप्ट द मार्केट, राइट? सबसे ज्यादा तो पार्टी वार्टी जो करते हैं ना, वो लोग उठा के ले जाएंगे, चिप्स खोल के रख देंगे पार्टीज में, राइट? बिकॉज रफल लेस जैसा लगता है, right? Yes. So they want, everybody wants to get more margins. आपका चल जाएगा, product line बढ़ा लो, और manufacturer खुद मत करना, कोई फायदा नहीं है आपको, आपको as a backward integration आने वाले 2-3 साल बाद करनी पड़ेगी शायद, आप फिर प्लांट लगा सकते हो अपना, अभी बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, किसी ना किसी से मैन्युफैक्चर करा लो और उनसे प्रोडक्ट बहुत सारे ले लो, सो दैट यू कैन गिव अ बुके टू योर बायर, जो बाय कर रहा है ना, वो नाचोस खा रहा है तो उसको आप और तरह के नमकीन भी दे सकते हो, you know, you need to find out क्या बिकता है, वो research करना पड़ेगा, और जो बिकता है वो उठा लो।
तो सर हम ऐसे ही कर रहे हैं कि हम किसी और से ले रहे हैं, वी आर डू अंडर आवर पैकेजिंग, जो कि हम सब कुछ करा के ले रहे हैं उसी में सेटअप में। तो वो सारी चीजें जैसे आपने बताया, हम फिलहाल कहीं ना कहीं सिमिलर वही चीजें फॉलो कर रहे हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग का हम सोच भी नहीं रहे फिलहाल अगले नेक्स्ट 5 ईयर की। हम हमारी उतनी कैपेसिटी हो जाएगी सेल आउट होने की, 24 डे एवरेज हमारी कंपनी रन होगी सिर्फ हमारे लिए, देन इट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर अस। एंड दूसरी चीज की अभी मेरा एक मेन क्वेश्चन था कि मैं अभी थोड़ा होल्ड करके बड़ी फंडिंग लू या क्या कर सकते हैं, मेरा एक बड़ा काफी मेरे लिए डिफिकल्ट है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना, बिकॉज अभी मेरे पास कुछ है नहीं फंडिंग, तो मेरे लिए खुद के लिए भी अर्निंग करना एक डिफिकल्ट हो जा रहा है। दूसरी चीज की फंडिंग है नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो अभी मैं होल्ड करूँ बड़ी फंडिंग लू फिर आगे बढ़ू? देखो दोस्त, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी गलत मिथ है ये बिल्कुल मत सोचना। फंडिंग से कभी हम आगे नहीं बढ़ते, यू नो, उस चीज में ना प्रोडक्ट से आगे बढ़ते। आपको अपने रेवेन्यू से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। फंडिंग कैन गिव यू स्केल अप व्हेन यू आर ग्रोइंग, इट कैन मल्टीप्लाई योर ग्रोथ। आप इसको मल्टीप्लायर की तरह मानो, आप समझ रहे हो, आगे नहीं बढ़ाता ये। मैं क्लियर करूंगा इस पॉइंट को, ये आपकी स्पीड बढ़ाता है, आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, आप समझ लो, है ना। तो इट इज लाइक व्हेन यू हैव अ कार जो जिसकी स्पीड आपकी अभी 40 पे चल रही है, आप उसकी स्पीड फंडिंग से 100 कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि साइकिल को गाड़ी बना देगा, राइट? वो नहीं करना है, सोचना भी नहीं है। दैट मींस वो गाड़ी के लेवल तक आपको खुद आना है, बेसिस ऑफ योर यू नो बिजनेस मॉडल, आपका जो रेवेन्यू मॉडल है, आपकी डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस में, यू नो, इन्फ्लुएंस ओवर द कस्टमर है, कन्वीनियंस टू द कस्टमर है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आप सेल किस तरह से कर रहे हो, आप स्टोरेज कैसे कर रहे हो माल को, क्योंकि उसमें भी पैसा वेस्ट होता है, राइट? आप डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ है। व्हेन योर चैनल बिजनेस इज मल्टीप्लायर ऑफ एवरीथिंग, इट इज एन एंड रिजल्ट ऑफ ऑल दीज टास्क, राइट? और ये फंडिंग को सिर्फ आप मल्टीप्लायर मान के चलो कि ये फंडिंग आके एक्स इंटू कर देगा, बट अगर आपका एक्स जीरो है ना, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज ऑल्सो जीरो, समझ रहे हैं आप? एक्स नेगेटिव है तो फिर आप नेगेटिव ही आंसर मान के चलिए, आपको मिलेगा आउटपुट। तो उस एक्स जो है उसको आप पॉजिटिव कर लो और उससे फंडिंग से मल्टीप्लाई करो। और फंडिंग बड़ी छोटी कुछ नहीं है, जितनी फंडिंग मिले उतनी ले लेनी चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, कभी भी ज्यादा फंडिंग के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, कभी ये नहीं रहना चाहिए कि मुझे ज्यादा चाहिए नहीं, दोनों ही चीजें गलत है। कुछ फाउंडर्स बोलते हैं कि नहीं मैं 1 करोड़ नहीं मिलूंगा, मेरे को 1 करोड़ मिल रहा है, मुझे तो 10 लाख की जरूरत है। कुछ फाउंडर्स बोलते हैं कि मैं तो 10 लाख नहीं लूंगा, मुझे 1 करोड़ की जरूरत है। दोनों ही चीजें गलत है। जितना पैसा मिल रहा है और जितना आपको यूज में आ सकता है, आप फटाफट ले लो, डिप्लॉय कर दो। ओनली व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्केल अप, राइट? ऐसे समझ लो कि आप रेस में भाग रहे हो, है ना, और कोई ऐसा फ्यूल NOS दे देता है आपको, नाइट्रोजन वाला, जिससे तेज चल जाएगी गाड़ी और जीत सकते हो, तो फटाफट ले लो। अब वो कितना दे रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी देर चल सकते हो तेज उतनी देर तो चले, आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एवरी मनी, एवरी ड्रॉप काउंट्स। 10 लाख हो, 5 लाख हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि 1-2 लाख रुपए फंडिंग नहीं ले सकते, वो भी गलत कह रहे हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट के रूल्स के हिसाब से आप कितनी भी फंडिंग ले सकते हो। दिस वी हैव चेक्ड लॉट ऑफ टाइम विद लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक्सपीरियंस लोगों के साथ मैंने चेक किया है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल्कुल लेनी चाहिए आपको जितना पैसा मिल रहा है, बट रेवेन्यू मॉडल पे थोड़ा ध्यान दे लो। ओके सर, मैं आपको पिच डेक एंड सारी डिटेल्स आपको भेज देता हूँ फिर से, प्लीज उसको, अगर मैंने मतलब मेरी कम्युनिटी टीम जो IB टीम है उनको भेजिए। सच में अगर मेरे पास इतने मैसेज पिच डेक सब कुछ आते, मैं जवाब नहीं दे पाता, टू बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाता। मुझे लिंक्डइन मैसेज 1500-1600 रोज आते हैं, ईमेल्स आते हैं बहुत सारे, पिच डेक्स आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, मैं नहीं रिप्लाई कर पाता। दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये एक इंडस्ट्री ऐसी है ना, जिस सेगमेंट में मैं हूँ, यहाँ पर सबको फंडिंग चाहिए, एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू टॉक टू मी, सब मेरा फोन नंबर मांगते हैं, मैं चाहता हूँ पर कर नहीं पाता, लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं करने भी बैठूंगा तो कितने लोगों से बात कर लूंगा, बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। सो दैट इज वाई टीम को सिखाया हुआ है, दे आर ट्रेंड, दे नो वॉट द प्रोसेस इज, आप उनसे बात करिए, मिलिए। थोड़ा सा कई बार हमारी तरफ से ना लैग हो जाता है रिप्लाई में, रिस्पॉन्सेज में, मैं ये भी मान रहा हूँ, क्योंकि बहुत काम है, हजार लोग फोन कर रहे हैं, तो हमारी टीम भी ना परेशान हो जाते हैं कई बार कि ऐसे भी लोग फोन करते हैं जिनकी फंडिंग, जिन्होंने कुछ नहीं करा, आप समझ रहे हैं, सिर्फ जॉब कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि हमने आइडिया सोचा, हमारी फंडिंग करा दो। सो वी ऑल्सो हैव टू गाइड देम ऑल्सो, हम उनको भी ये नहीं बोल सकते ना कि आप गलत सोच रहे हो, सपने मत देखो। हम, एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस,
और वो थोड़ा सा हमारी टीम के लिए टायरिंग हो जाता है, बिकॉज वहां से मिलना तो कुछ नहीं है, दे डोंट गेट इंसेंटिव, दे डोंट गेट फंडिंग, होगी तब उनको भी कुछ मिलेगा, उन्हें मालूम है यहाँ से होना कुछ नहीं है, बट उनको एंटरटेन करना पड़ता है। तो सबका बैलेंस बना के कोशिश कर रहे हैं, एंड आप सब लोगों के ब्लेसिंग से वी आर मूविंग अहेड फॉर द कंट्री। देखो इकोसिस्टम भी बढ़ रहा है डे बाय डे, यू नो पीपल आर बिकमिंग, पहले तो आज 2015 में किसी को पता ही नहीं, मुझे नहीं पता था स्टार्टअप क्या होता, सच बताऊं आपको, मैंने स्टार्टअप 2001 में करी थी पहली, मुझे ये नहीं पता था इसको स्टार्टअप बोलते हैं। और 2015 में मैंने जब पहला इन्वेस्टमेंट करा तो मुझे ये नहीं पता था कि एंजल इन्वेस्टर किसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता था। मुझे सिखाया, सबसे पहले फोन करा उत्सव सोमानी जो आज एंजल लिस्ट के पार्टनर हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज वो एंजल लिस्ट के पार्टनर बन गए, इंडिया पर सारा वही संभालते हैं। उत्सव सोमानी ने मुझे पहली बार फोन करके बोला था, एंड मैंने बोला भाई मैं, मुझे तो आता नहीं है, करूं क्या? बोले शिष्य बिना मरे तो स्वर्ग मिलेगा नहीं, पहले कुछ पैसे लगाओ। अब सबसे पहले मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी मैं डूब गया, ऑल माई इन्वेस्टमेंट गॉट लॉस्ट, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। बाय गॉड्स ग्रेस इंडिया 2015 से 2021 में देखता हूँ ना, बहुत बदलाव आ गया है। अब सब लोग फंडिंग समझते हैं, स्टार्टअप्स को समझते हैं, डिसरप्शन को समझ रहे हैं। पहले तो लोग प्रोडक्ट पे दिमाग लगा रहे थे सब, प्रोडक्ट पे दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है। प्रोडक्ट तो आज की सबसे, देखिए लोग बोलने में कतराते थे कि कॉपी करना बुरी बात है, अब लेकिन आज सच्चाई में बताऊं जितनी भी स्टार्टअप सक्सेसफुल हैं आप देखोगे सब कॉपीकैट मॉडल है, तो बुरी बात नहीं है, कॉपी करिए और वैल्यू इंजीनियरिंग करिए, एनहांस करिए, प्राइस में डिसरप्शन करिए। अगर आपको इनोवेशन करना है तो ये सोचिए कि जो महंगा मिल रहा है उसको सस्ता कैसे दे पाता हूँ, बिकॉज आज की डेट में इंसान मिडिल क्लास आदमी तो खासकर जो फैमिलीज हैं उनके ऊपर इतना बोझ है खर्चों का कि वो छोटी छोटी चीजों में भी ना कट करना शुरू कर देते हैं और वो रिप्लेस कर देते हैं प्रोडक्ट। कहते हैं ना सबसे कंज्यूमर किसी का सगा नहीं है आज की डेट में, राइट? कंज्यूमर सिर्फ पैसे का सगा है, जहां सस्ता मिलेगा कंज्यूमर वहां चला जाएगा, और ये ना बुरी बात है ना अच्छी बात है, ये दिस इज हाउ इट हैपेंस, राइट? सो दैट इज व्हाई डिसरप्शन के बारे में बोलता हूं मैं, और डिसरप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देख लेना आप, अगर अमेजोन ने सस्ता देना छोड़ दिया ना, डिस्काउंटिंग छोड़ दी, तो अमेजोन से भी कोई नहीं खरीदेगा शायद, राइट? बिकॉज दो ही चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए, प्राइस एंड कन्वीनियंस। कई बार हम प्राइस को इग्नोर कर देते हैं जब कन्वीनियंस मिल जाती है, प्यास लगी है 20 रुपए की बिस्लरी मिल रही है और कुछ मिल नहीं रहा और कन्वीनियंट है तो हम 20 रुपए भी ले लेंगे, है ना? पर प्यास नहीं लगी है या कन्वीनियंट नहीं है, दूर जाके मुझे 5 रुपए की बिस्लरी लेनी है तो मैं नहीं लूंगा, या फ्री में भी कोई देगा तो मैं नहीं लूंगा, मैं अभी 20 रुपए की यहाँ से खरीद लूंगा। सो दीज टू थिंग्स डिफाइन, प्लीज फोकस ऑन डिसरप्शन। जो भी हम यू नो इनोवेशन के बारे में सोचते हैं, इनोवेशन टेक्नोलॉजी से तो आता है, बट टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज अ डिसरप्टर। टेक्नोलॉजी शुड मेक द लाइफ ऑफ पीपल बेटर इन टू वेज, एंड दीज टू डिसरप्शन के यही दो एलिमेंट है, या तो सस्ता कर देंगे या कन्वीनियंट कर देंगे या दोनों कर देंगे, राइट? तो वो उसका फिर कोई तोड़ नहीं है, फिर आपको कोई डिसरप्ट नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। जैसे अमेजोन ने कर दिया, आपको सस्ता भी मिल रहा है और आपको आपके घर पे भी आके मिल रहा है, तो फिर किसी और से हम क्यों लेंगे,